आज बहुत ही सामने थैंक यू है सर। तो मैं डॉक्टर रंजीत से आग्रह करता हूँ कि वो अपना आजकल फीस बताएं सर आपका आवाज़ नहीं बहुत आ ही रहा है अच्छा सर। है। हेलो सर। हेलो अभी ठीक है आवाज आ रही है अभी हाँ सर अभी आया। ना तो आप सबसे आग्रह है कि आप लोग ध्यान से सुने डॉक्टर रंजीत के केसेस को और उनके एनालिसिस को सुने। तो डॉक्टर रंजीत ओवर टू यू। थैंक यू सर। और थैंक यू सर। ये IHF के सबसे छोटे क्या कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं हम लोग इनको तो बहुत ही बेहतरीन केसेस देते हैं और सिखाते हैं तो आप लोग सभी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सो ओवर टू यू डॉक्टर रंजीत फ्रॉम द IHF ट्यूब टीम। थैंक यू सर। सबसे पहले IHF टीम को बहुत बहुत धन्यवाद एंड हमारे डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर दिलीप जाने सर, डॉक्टर परवीन सर, डॉक्टर आसमा मैम, मानिक सर हैं, डॉक्टर मनोज बांधवार सर हैं, काफ़ी डॉक्टर जो इस ग्रुप में काफ़ी चीज़ें अपना केसेस सॉल्व केसेस शेयर कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अपना वो टाइम दे रहे हैं और इस ग्रुप को काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं। तो सब लोग अच्छे से चीज़ों को समझे और हर एक चीज़ को बारीकी से चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और अपने क्लिनिक में उसको अप्लाई करे। सो होम्योपैथी और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा अच्छा इसमें हम लोग रिजल्ट ले पाए, इसके लिए हम लोग हमेशा इसमें काम कर रहे हैं या अपना शेयर कर रहे हैं। जो भी हम लोग सीखे हैं गुरुजनों से, सीनियर से, वो हम सब भी शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ऐसे ही शेयर करेंगे तो होम्योपैथी बहुत आगे तक जाएगा। घर घर होम्योपैथी, घर घर में होम्योपैथी तक पहुंचेगा, हर घर तक होम्योपैथी पहुंचेगा, लोगों का होम्योपैथी पे विश्वास बढ़ेगा। तो हम लोग इस पर्पस से अपना टाइम देते हैं, अपना मेहनत करते हैं, खास करके IHF टीम इस पर्पस को लेकर के चल रहा है। सो थैंक यू IHF टीम एंड IHF फैमिली। हमने सुबह में एक केस शेयर किया था सर, आवाज तो आ रहा है ना? आवाज तो आ रहा है ना सर? आवाज आ रहा है आ रहा है। यस सर प्रॉब्लम नहीं आवाज है। क्लियर है। ओके 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 सर। तो सुबह में हमने केस शेयर किया था और वो केस तो बहुत मैंने लंबा लिया था, बट हमने एक छोटा सा सारांश में केस को प्रेजेंट किया था। मेरे पास एक महिला आती है और ये न्यूली मैरिड कपल थे, हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों आए थे। इनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी और 2 महीने से ये 1.5 2 महीने से ये
सफरिंग कर रही थी। तो ये मेरे पास जब आए तो पहले इसका हस्बैंड अंदर आया और उसके बाद फिर इसकी वाइफ अंदर आई। तो फिर हस्बैंड इसका बैठ गया, तब तक उनकी वाइफ जो है वो खड़ी थी। तो मैं बोला आइए बैठिए। तो फिर वो हमारे सामने यहाँ बैठ गई, फिर सामने चेयर था यहाँ बैठ गई। तो मैंने फिर इनको अपने सामने बुलाया इनको, तो हस्बैंड को भी बैठने की जगह दी और उनकी वाइफ को भी बैठाया। तो फिर मैं पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है। तो उसने कुछ नहीं बोला। उसके हस्बैंड बोलते हैं कि सर इनको जब ये टॉयलेट जाती हैं तो उसमें ब्लीडिंग हो रहा है और उसमें पेन हो रहा है। बोला अच्छा, पाइल्स की प्रॉब्लम है। बोला हाँ सर, इसको बवासीर हो गया है। बोला अच्छा, क्या दिक्कत होता है? तो इसका फिर हस्बैंड ही रिप्लाई कर रहा है, जबकि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए आपको इससे क्या दिक्कत हो रहा है। तो इसका हस्बैंड बोलता है, इसने जब जवाब नहीं दिया तो इसके हस्बैंड ने फिर बोला कि सर इसको दर्द रहता है, ये पेन होता है इसको। ठीक है, तो मैं इससे कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहा था कि पेशेंट कुछ बोले। तो मैं पेशेंट से बात करने का प्रयास कर रहा था कि आपका नाम क्या है, या ये इनका नाम पूछा मैंने। इसका जो एजा, जैसे हम क्या है ना, किसी भी पेशेंट का केस लेने से पहले उसको कंफर्ट जोन में लाते हैं। तो उसको कंफर्ट जोन में लाने का प्रयास कर रहे थे कि ताकि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से बता सके। सो 2-4 मिनट इनको साइड साइड बात करने के बाद ये फिर ये बताना शुरू किए। तो मैं पूछा इनको कि बताइए आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है, ये सब मैं पूछा। तो ये बोल रहे थे कि सर ये जो है ये बात करते टाइम जो है वो मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी। एक शर्मिला टाइप का ऑब्जर्वेशन था मेरा, जो मैं आपको एक्टिंग करके नहीं बता पा रहा हूँ, बट एक शर्मिला टाइप का स्वभाव था। तो मैं इससे ये चीज पूछने का प्रयास कर रहा था कि इसका इसके प्रति कंसर्न क्या है। तो इसका मेन कंसर्न ये था कि सर ये ब्लड जा रहा है और ये पता नहीं अंदर में क्या हो रहा है जो ब्लड जा रहा है, ये मल के रास्ते से ब्लड जा रहा है सर, और ब्लड ज़्यादा ब्लड जा रहा है सर। ओके, सो पता नहीं अंदर में क्या हो रहा है जो ये ब्लड जा रहा है। ये कुछ दूसरा प्रॉब्लम या दूसरी बीमारी तो नहीं है? तो इसका जो सेंटेंस था वो यही था कि मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये हम समझ में नहीं आ रहा है, ये वर्डिंग था। ये ठीक हो जाएगा ना सर ये? और ये इतना सा भी बात इसको बोलने में मुझे 5 मिनट तो इसके बाहर बाहर बात करने में टाइम बिता दिया इसने, तब जा करके ये थोड़ा सा ओपन हुई। उसके बाद इसको टेंशन पूछ रहा था कि बताओ क्या टेंशन है अभी, तो कोई टेंशन ये मुझे नहीं बता रही थी। तो इसका हस्बैंड हमें बताया कि सर अभी मैं इनको मायके से लेके आ रहा हूँ, ये हमारा 2-2.5 महीना पहले शादी हुआ है, और मैरिज हो करके जब ये हमारे घर आई तो
इनको हमारे घर पे मन नहीं लग रहा था। सो कम्प्लीटली ये हमेशा माँ से बात करती हैं या उदास रहती हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। इसका मिजाज बड़ा मतलब दुखी दिखता था। मैं पूछता था कि इतना दुखी क्यों रहती हो, तो इसका कहना रहता था कि मुझे माँ के पास जाना है या मुझे मुझे घर की याद आ रही है, तो वीडियो कॉलिंग में बात करती, लेकिन फिर भी इसको अपने घर का ही याद आता था कि नहीं मुझे घर जाना है। तो सर 2 महीने में 2 बार तो मैं जा चुका हूँ, तो मैं फिर बार बार ही घर जाता, ससुराल लेके जाता। तो इसके अच्छा मैं बोला कि ठीक है, इसका अभी यहाँ मन नहीं लग रहा है, नया नया शादी है तो अभी कुछ दिन इनको वहीं छोड़ देते हैं ताकि एक बार ये समझ जाए, फिर ये यहाँ कंफर्ट में आ जाएंगे। तो इसका जो ससुराल था इस लड़की का, वो भी बड़ा समझदार फैमिली में था, बहुत ज़्यादा अच्छा फैमिली में था। तो उसने उसके हस्बैंड ने ये निर्णय लिया कि अभी कुछ दिन जो है ये अपने माँ के या अपने जो घर है उसके बगैर यहाँ पर नहीं रह पा रही है, तो इनको बार बार जो हम आना जाना करेंगे, इससे अच्छा है कि कुछ दिन इनको वहाँ रहने देते हैं, उसके बाद इसका जब मन होगा तो फिर आ जाएंगे। ऐसा तो ये जो ये ऑल ओवर केस था इसका, और जब मैंने इससे पूछा भी मैंने आप इनको, तो ये क्योंकि मेरे माइंड में यही चल रहा था कि शादी होने के बाद जनरल कोई भी लड़की जो है वो तो ससुराल में रहना पसंद करेगी, उसका नया लाइफ है, नया लाइफ एंजॉय करेगी, बट ये एंजॉय ना करके ये यार माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है, घर जाना है, घर की याद आ रही है, ये क्या है? तो उसने बोला सर कि यहाँ ये सब जो हमारे ससुराल के जो लोग हैं, मुझे इन लोगों से ये जम नहीं रहा है, मतलब ये सब लोग मुझे जो है ये सारे लोग जो है ये मैं उनके साथ मिल नहीं पा रही हूँ, मिक्सअप नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं ज्यादातर अपने घर की जो हमारा जो मायका है जो हमारा फैमिली है, मैं ज्यादातर उनको ही वही हमें याद आते रहते हैं। तो ये ऑल ओवर फीलिंग था, और मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि उनके हस्बैंड और ये न्यूली कपल थे तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो मैंने इनका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया। जस्ट हमने जो इस केस को समझा वो एक अंडरस्टैंडिंग इस केस को मैंने रखा है, ये अंडरस्टैंडिंग था इस केस का, जिससे हमने एक रेमेडी दिया। और इस रेमेडी देने के बाद इसमें पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत अच्छा से सॉल्व हो गया, और साथ में ये जो लड़की थी दोबारा फिर ससुराल आ करके अच्छे से रहने लगी है। सो ये केस था, और ये केस ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी का जो ये इसेंस है ना, वो इसेंस ही यही है। ये इसेंस हमने डॉक्टर महेश चंद्रा सर से सीखा था। तो ब्यूटीफुली जो कोर फीलिंग था ना, सेम सर ने दिए थे, वो मुझे पूरा इस केस में फील आया, तो मैंने ये रेमेडी दिया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस किए हैं, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग शेयर किए हैं आप लोगों ने, ये रेमेडी कार्बो एनिमेलिस है। सो हमने इसको कार्बो एनिमेलिस कैसे दिया, हमने कुछ रूब्रिक लिए थे उस टाइम, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया था रूब्रिक टिमिडिटी बैशफुल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शर्मीली टाइप का इनका स्वभाव था,
एंड सेकेंड चीज मैंने लिया था एनजाइटी डार्क इन एंड लाइट डिजायर फॉर, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि ये कम्प्लीटली सिचुएशन को समझ नहीं पा रही थी, कम्प्लीटली एक डार्क था जहाँ ये क्लियर नहीं इसको समझ में आ रहा था कि ये ब्लडिंग क्यों हो रहा है, इसमें क्या किसके चलते ब्लीडिंग डिस्चार्जेज हो रहा है। सो ये उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, और इसमें वो लाइट चाह रही थी। सो एंजाइटी डार्क इन एंड लाइट डिजायर फॉर, और इसके जो हस्बैंड थे उन्होंने जो सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी उससे मुझे ये होम सिकनेस फील आया कि ये जो है होम सिकनेस है, और नया शादी हुआ है उसके बाद भी ये जो है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने मायके जाना है। ये जो था कि मुझे घर जाना है, तो यहाँ पर क्या था कि ये जो माहौल है, यहाँ का जो माहौल है उसको, यहाँ का माहौल जो है उसको अनजान लग रहा है, यहाँ का माहौल में वो मिक्सअप नहीं हो पा रही है। सो यहाँ पर रूब्रिक आता है हमारे पास डिलूजन। किसका भाई बहुत आवाज आ रहा है? तो हमारे पास रूब्रिक आता है जब हम देखते हैं, तो उस टाइम हमने कुछ ही रूब्रिक लिए थे, डिलूजन, एवरीथिंग इज चेंज, होम सिकनेस एंड ड्वेल्स, हैप्पी मोमेंट ऑन पास्ट, एंजाइटी, होम अवे फ्रॉम होम एंड कंपनी एवर्जन टू अस्ट्रेंजर, अस्ट्रेंजर इन प्रेजेंस ऑफ एग्रावेशन। सो ये कुछ रूब्रिक लिए थे जिसपे हमने कार्बो एनिमेलिस प्रिस्क्राइब किया था। उसके बाद फिर मैंने इसका रेट्रो अंडरस्टैंडिंग किया, रेट्रो अंडरस्टैंडिंग किया, तो रेट्रो में मुझे बहुत सारे रूब्रिक मिले कार्बो एनिमेलिस के, जो मैं अभी बताता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिला था। तो देखिए इसमें रूब्रिक मिला था होम सिकनेस, 1 मिनट, हाँ, तो इसमें हमें रूब्रिक मिला था, वो रूब्रिक था होम सिकनेस मॉर्निंग, ऐसा करके एक रूब्रिक है, आप लोग देख लेंगे थोड़ा। भाई यही है होम सिकनेस मॉर्निंग है ना, सिंगल मुझे कार्बो यहाँ लिखने एनालिसिस दीजिए, होम सिकनेस, होम सिकनेस नॉस्टैल्जिया मॉर्निंग। सो सिंगल कार्बो एनिमेलिस है इसमें। सो व्हाट इज मॉर्निंग, व्हाट इज मॉर्निंग कार्बो एनिमेलिस का, ये मॉर्निंग क्या है? द मैरिज उसके लिए हाँ, मैरिज, मॉर्निंग है। अभी अभी इसका न्यू लाइफ ही शुरू हुआ है ना, घर से गई ही है ना, तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड उसी में क्या हो गया, होम सिकनेस। सो होम सिकनेस मॉर्निंग मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टल गए और मम्मी 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 की याद आती है, घर का याद आता है। मतलब अभी गया नहीं कि मम्मी तुम कब आओगे फिर, या मुझे घर जाना है। मतलब जैसे होता क्या है ना कि इसका जो आधा जो प्राण है ना, वो समझो कि घर पे ही बसा रहता है। सो ये होम सिकनेस इन द मॉर्निंग में जाता है। हेलो हेलो धीरेंद्र सर, कैमरा बंद करो। हेलो धीरेंद्र सर,
इसमें मुझे रूब्रिक मिले थे होम सिकनेस मॉर्निंग एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस एंड रेस्टलेसनेस अवे फ्रॉम होम। इसमें होम के बहुत सारे रूब्रिक हैं, जैसे होम स्टे एट होम डिजायर टू, होम स्टे एट होम डिजायर टू, इसको अपने घर में ही रहना है, इसकी चाहत ही है कि मैं अपने घर में रहूं। डिसकंटेंटेड अवे फ्रॉम होम, मतलब जैसे ही घर से ये बाहर निकलता है ये डिसकंटेंटेड हो जाता है। घर से दूर होना, अपने होम से दूर होना, ये डिसकंटेंटेड में चला जाता है और ये चाहते हैं कि होम डिजायर टू गो होम, मैं अपने घर चला जाऊं। होम डिजायर टू गो होम मॉर्निंग, देखो ये सारे रूब्रिक हैं जो हमें रेट्रो में मिले थे उस टाइम। और डिलूजन अलोन ही डिलूजन एवरीथिंग इज अस्ट्रेंज एंड डिलूजन ही इज इन डिजर्टेड टाउन। ओके सो ये सब रूब्रिक है जो कार्बो एनिमेलिस का एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। इस केस में जो है बहुत सटीक रूप से ये सारे रूब्रिक लग रहे हैं। सैडनेस टेसी टर्नविथ, ये अपने ससुराल में गई और वहां पर दुखी है। यार क्यों दुखी है, क्यों दुखी है, नया आपका शादी हुआ है, आप यहाँ अभी आपका ऐसा तो नहीं है कि आपको तुरंत घर में आए और आपको कुछ कुछ बोलने लगा, बट ऐसा नहीं है। बट ये उस सिचुएशन को, उस सराउंडिंग को ये अभी तक अस्ट्रेंज फील कर रहा है, ये उसके लिए अभी अपना फील हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझना होगा, कार्बो एनिमेलिस के अंदर होम के बहुत सारे रूब्रिक हैं। यहाँ होम एंड हाउस का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा इसको आप समझो कि यहाँ होम है हाउस नहीं है। तो होम क्या होता है, होम क्या होता है, जहां पर अपना घर होता है, जिसपे हमारा अपना अधिकार होता है, जहां पर हम अपने कंफर्ट में रहते हैं, जहां पर हमारा अपना मोह और ममता जुड़ा हुआ होता है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पर आपका मोह और ममता जुड़ा रहता है, जहां पर आपका लगाव रहता है, लेकिन हाउस में आपका मोह और ममता नहीं रहता है। हाउस जैसे आप कहीं रेंट में रूम में रहते हैं, वहां पर रहें, वहां खाली करके दूसरे जगह चले गए, ये सब हाउस होते हैं। लेकिन होम जहां पर आपका बहुत ज्यादा उसके साथ आपका लगाव जुड़ा है, बहुत ज्यादा उसके साथ ममता जुड़ा हुआ है, बहुत आपके उसके साथ बहुत ज्यादा आप अटैच हैं, कंफर्ट है, वो आपका कंफर्ट जोन है, सो वो होम होता है। सो कार्बो एनिमेलिस इस होम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। देखो कार्बो एनिमेलिस मिनरल रेमेडी है, मिनरल ग्रुप की रेमेडी में आप ये देखो फोर्थ सॉरी कॉलम टेंथ एंड सेकेंड रो, ओके सेकेंड रो यानी कार्बन सीरीज, कार्बन सीरीज की रेमेडी है, कॉलम टेंथ में कार्बन सीरीज आता है। सो कार्बन ग्रुप की रेमेडी है कार्बो एनिमेलिस। सो कार्बन ग्रुप की है यार, ये जो स्टेज जो चलता है ना रो टू का, ये वूम्ब स्टेज की रेमेडी है, ओके वूम्ब स्टेज की रेमेडी है। जैसे आगे कार्बन के बाद जाएंगे आप, तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा, ओके ये सब मिलेगा, नियोन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है कि अभी फ्लोरीन के पहले, ऑक्सीजन के पहले, नाइट्रोजन के पहले ये रेमेडी अभी कार्बन सीरीज, मतलब अभी तक ये जन्म नहीं लिया है, अभी ये वूम्ब स्टेज में है, तो अभी ये जन्म नहीं लिया, मतलब अभी माँ के पेट में है, ठीक है, लेकिन जन्म लेने के प्रोसेस में है एज अ मिनरल थीम अगर समझेंगे तो, ओके तो ये अभी क्या है, ये डिपेंडेंट है, अभी अपने माँ के गर्भ में है, तो अभी उसके साथ अटैच है, ठीक है, अभी उसके साथ अटैच है, अभी उसके साथ बंधन में है, वो भी उसके साथ जुड़ाव में है,
अभी उसका नाल टूटा नहीं है, सो अभी सेपरेशन को ये बियर कर ही नहीं सकता, इसीलिए कार्बो एनिमलिस को होम सिकनेस है, क्योंकि अभी सेपरेशन को ये बियर नहीं कर सकता, ये सेपरेट हो ही नहीं सकता। सो इसमें बहुत सारे रूब्रिक जो मिलेंगे आपको वो होम सिकनेस को लेकर के मिलेंगे, होम को लेकर के मिलेंगे, और अस्ट्रेंजर से लेकर के एवर्जन मिलेंगे। इसको अस्ट्रेंजर बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब जो लोग इसके परिचित लोग हैं, जो अपने फैमिली के लोग हैं, ये उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ओके सो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत अच्छा हमारे गुरुजी ने एक इसेंस एक कोर फीलिंग दिए थे कार्बो एनिमलिस के बारे में। तो भाई आवाज आ रहा है कि नहीं एक बार बता दो, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, मुझे कुछ आ मुझे रहा नहीं है लग रहा है कि यानी आवाज जा अच्छे रही से आ थी। रहा है अच्छे आ रहा ओके ओके सो कार्बो एनिमलिस जो है इसके अंदर इसका जो सर ने कोर फीलिंग दिए थे वो फीलिंग ये था कि कार्बो एनिमलिस इज अनफुलफिल्ड इन हिज डिजायर। ओके मतलब ये इसके जो डिजायर है ना अनफुलफिल्ड है, इसके इच्छाएं अभी पूरा हुआ ही नहीं है। जैसे सर कहते हैं कि जैसे माँ जो है वो लोरी सुना रही है, एक माँ लोरी सुना रही है, और ये आधा लोरी तो सुन चुकी है और आधा सुनना बाकी है, तो ये कंप्लीटली उस लोरी को सुनने के लिए हमेशा माँ के गोद में जाना चाहती है ताकि मैं उस लोरी को दोबारा सुनूं। सो ड्वेल्स पास हैप्पी मूवमेंट ऑन, मतलब जो जो चीजें जो इसको खुशी दे रहा था, जो चीजें इसको आनंद दे रहा था, ठीक है, वो भी मदर के वूम्ब में, तो ये वहीं पर रहना चाहता है, वहीं वहां से हटना नहीं चाहता। सो चेंज एवर्जन टू, इसको चेंज नहीं चाहिए, उसको वहीं पर रहना है। तो कार्बो एनिमल इज वेरी रिजिड रिजिड पर्सन, और इसके अंदर भी ऑब्स्टिनेसी आ जाता है, और बहुत लोगों ने इसको जो है कैप्सिकम लिखा है, कैप्सिकम लिखा है। तो इसको आगे मैं कोशिश करूंगा कि इसका थोड़ा सा मैं डीडी करूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके। सो कार्बो एनिमलिस के आप ये चीज समझिए, इसके जो डिजायर है वो यन फुलफिल्ड है, ओके, और ये सेपरेशन को ये बियर नहीं कर सकते, ठीक है। सो कार्बो एनिमलिस बनता कैसे है, कार्बो एनिमलिस ये एनिमल का जो स्किन रहता है उसको जलाया जाता है, और जब हाफ जब जलता है ना तो उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है, मतलब ये पूरा तरह से बर्न नहीं हुआ रहता है। सो एक कोयला बोलते हैं ना चारकोल, सो ये हाफ हाफ बर्न चारकोल होता है, इससे ये कार्बो एनिमलिस प्रिपेयर होता है। सो कार्बो एनिमलिस के अंदर जो है आपको एनिमल का ये जो एनिमल का जो क्वालिटी है वो भी आप लोगों को देखने मिलेगा, खास करके मैमल्स क्वालिटी एंड मिनरल मिनरल का और मिनरल का भी इसके अंदर वो थीम देखने को मिलेगा। सो बहुत अच्छा रेमेडी है, और अभी जैसे खास करके अगर हम लोग देखेंगे तो इसको बहुत ऐसे ऐसे जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे खास करके आप देखिए कि जैसे जैसे कोई ऐसा बाहर गया है कमाने के लिए और वहाँ वो अकेलापन फील करता है, अपने फैमिली को याद करता है। जैसे अभी मैंने एक संगीत पोस्ट किया था कि सब सुनना उस संगीत को, कि ये बाहर गया है कमाने के लिए लेकिन फिर भी अपने गांव से ये उन ख्यालों से जुड़ा है जो बचपन में ये जी चुका है। सो कार्बो एनिमल इज वेरी लव फॉर फैमिली रेमेडी, इसको बहुत ज्यादा प्यार होता है अपने फैमिली से, वेरी अफेक्शनेट पर्सनलिटी, वेरी अफेक्शनेट पर्सनलिटी, किस एंड केयरेस में इसमें पड़ा हुआ है। सो लेकिन
ये लव फॉर फैमिली, मतलब ये अपने फैमिली से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, अपने फैमिली को बहुत ज्यादा ये मिस करने वाला होता है। सो ऐसे बहुत सारे, जैसे हमारे जैसे फौजी में जो जाते हैं, या जो अपने अभी घर से अलग हो करके कहीं दूसरे स्थान में चेंज हुए हैं, और उनको जो है किसी कारणवश उसको ट्रांसफर हुआ है, और वो अपने उस माहौल को वो कंटिन्यू याद करते हैं, उस माहौल को वो कंटिन्यू याद करके वो रोते हैं या उस याद में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनलिटी कार्बो एनिमेलिस होता है, उस पॉइंट को, उस याद को वो छोड़ नहीं पाते, वहां से सेपरेट नहीं हो पाते, एक नए एनवायरनमेंट में वो अपने आप को जी नहीं पाते। ओके, उसमें बने रहते हैं, ड्वेल्स पास्ट ऑन हैप्पी मूवमेंट। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग है कार्बो एनिमेलिस के बारे में, और भी बहुत सारे इसके फेसेट हो सकते हैं, बट इस केस में जो इस लड़की, इस नई लड़की के केस में जो हमने देखा, तो जिस टाइम हम लोग पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने हम लोगों को ये बताया था कि जैसे बहुत ऐसे जो मेरिड न्यू कपल हैं, वो तुरंत के जो है वो मायका ही जाना चाहती है, तो उसका आईपीआर बोलता है, यार तुझे तो ऐसे बंदे से शादी करना चाहिए था जो घर जवाई बन करके तेरे साथ रह सके, तो शादी करना था तो शादी ऐसे लड़के से करना चाहिए था ना जो तेरा मायके में जा करके घर जवाई बन के रह सके। तो आप जा मायके ही जा और मायके में ही रहो। तो इसलिए इसका आईपीआर भी जो है बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, और इसी के चलते जो है इसी के चलते इसका ये जो रहता है ना, मुझे घर जाना है, तो बहुत ज्यादा मोरोज फीलिंग में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा एंगर में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कार्बो एनिमेलिस। तो इस टाइप की रेमेडी है। अभी मनोज सर इसमें, मनोज सर हैं, दिलीप सर हैं, प्रवीण सर हैं, सर सर आप सब है ना? अरे मैं हेयर कटिंग करने जा रहा हूँ। हाँ प्रवीण हाँ सर, दिलीप सर, प्रवीण सर आके फिर चले गए लगता है क्या? हाँ कोई बात नहीं, प्रवीण सर बिजी एक्चुअली होंगे आज आज। बिजी है ना, उनका चेंबर वो दूसरा जगह कर दिया ना उन्होंने शहर में। अच्छा मनोज सर, इसमें आप कुछ ऐड करेंगे? कभी ऐड करने के पोजीशन में नहीं हूँ, तो बाद में ऐड ओके करेंगे। और मेरे को भी यही सर, खासेट ओके मालूम है जो आपने बताया ना, मेरे को भी इतना ही मालूम है। और यही खासेट कार्बन एनिमेलिस में सबसे ज्यादा आता है। इसके अलावा जो आता है नॉर्मली जो हार्ट इंड्यूरेशंस वगैरह होते हैं ना, विशेषकर ब्रेस्ट में जो हार्ट ट्यूमर्स वगैरह, इसमें बहुत अच्छा काम में लगता है। जो कैंसर, जो हार्ट जिसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, तो इसका नेचर भी देखे ना, इसके साथ कोरिलेट करो तो ये माइंड भी इसका हार्ड होता है। जल्दी से कुछ घुसता नहीं है, वो एक ही चीज पर अड़ा रहता है। चेंज ये वर्जन जो है थोड़ा सा है, चेंज वर्जन है इसका, बस इतना ही। और विशेष कुछ नहीं होता है, मेन कोर यही है, और वो तुमने बता दिया, बाकी बताने को छोड़ा नहीं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल केस था, और इसको रूब्रिक से सॉल्व करने आज संभव नहीं था यदि कोई इस मेडिसिन को जाने नहीं। तो किसी ने क्रैक किया है क्या? क्या सर, सबने क्रैक किया ना? बात कर सबने रहे हो, क्रैक अरे किया है ना? हाँ सर, वाह, नहीं सबको मैंने, सबको हमने सबको ये थोड़ा सा खासेट इजी मालूम है। बना के लिया था। हाँ सर, तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये सबसे ज्यादा काम में आता है। बल्कि जब हाँ मैं मनोज क्लासिकल सर, करता था ना, तो ये हार्डनेस की वजह से, तो हार्ड वगैरह न्यूरोसिन देखे, कार्बो एनामेलिस देखे, उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता था। बल्कि फाइटोलक का बल्कि ज्यादा अच्छा काम करता था। तो कुछ कुछ केस में जहाँ बर्निंग वगैरह रहती है ट्यूमर में,
या कैंसर में, वहां रहने से सबसे काम करता है जो फिजिकली, माइंड लेवल से तो बस इतना ही मालूम है। ठीक है, तो अभी एंड करें। ठीक है सर, तो यस थैंक सर, यू यस डॉक्टर रंजीत, उन्होंने थैंक यू कार्बो सर, एनालिसिस का बहुत ही अच्छा जो है एक फैसेट बताया जो हमें प्रायः देखने को मिलेगा, और इस फैसेट से दवाई दे तो ये पक्का काम करेगा। तो थैंक यू एवरीवन, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आईएचएफ के, सबको धन्यवाद। आज 83 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सभी जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और सीख रहे हैं। यही हम लोगों का उद्देश्य है जो आईएचएफ जिसके कारण से बनाया गया है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू ऑल आईएचएफियन एंड थैंक यू डॉक्टर रंजीत। थैंक यू सर, थैंक यू आईसीएफ टीम, प्रवीण सर, दिलीप सर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही साथ में चलकर और पूरे इस आईसीएफ फैमिली को साथ में लेकर के आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू भाई।